बहुत बहुत स्वागत, आप देख रहे हैं मथुरा हलचल न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। तीर्थ नगरी वृंदावन में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग द्वारा यमुना में क्रूज चलाने की प्लानिंग की जा रही थी, जिसको लेकर क्रूज को वृंदावन भी लाया गया। वहीं क्रूज के वृंदावन आने के बाद कुछ दिन पश्चात उसे वृंदावन के केसी घाट पर पहुंचाया गया, जहां उसको तैयार किया गया और चलने की तैयारी पर जोर दिया जा रहा है। लेकिन आज रविवार के दिन गरुण क्रूज को लेकर वृंदावन में चलने के लिए व्यवस्था की जा रही है, जहां किसी घाट पर उसके लिए मंच बनाया जा रहा है। लेकिन मंच बनाने से पूर्व ही निषाद समाज के लोगों ने उसका विरोध किया। आपको बता दें, निषाद समाज द्वारा पूर्व में भी क्रूज के खिलाफ प्रदर्शन किया गया, जिसमें उन्होंने क्रूज न चलने की मांग की थी, जिसको लेकर आश्वासन मिला था कि क्रूज को वृंदावन में नहीं चलाया जाएगा। इसके बाद सभी ने निषाद समाज के लोग शांत हो गए। लेकिन जब आज तैयारी की जा रही थी, जिसमें उन्हें ज्ञात हुआ कि यह क्रूज वृंदावन में केसी घाट से लेकर जुगल घाट तक चलाया जाएगा, जिससे कि उनकी रोजी रोटी पर खतरा मंडरा रहा है, उसको लेकर आज उन्होंने विरोध किया। वहीं उन्होंने कहा कि यह क्रूज यहाँ नहीं चलेगा, इसको मथुरा गोकुल के बीच चलाने की बात हुई थी, वहीं चलाया जाए, यहाँ नहीं चलाया जाएगा। यदि यहाँ चलाया गया तो हमारा परिवार का पालन पोषण कैसे होगा, हमारी आमदनी समाप्त हो जाएगी, और यदि ऐसा हुआ तो हम धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल करेंगे। हमारी मांग है कि इस क्रूज को यहाँ ना चलाया जाए, यदि ऐसा हुआ तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन होगा और इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। बल्दी निषाद समाज के जो लोग हैं विरोध कर रहे हैं, किस बात का विरोध कर रहे हैं? विरोध इसलिए कर रहे हैं, ये क्रूज आया हुआ है, ये कह रहे थे कि यहाँ से गोकुल चलेगा। अब इन्होंने गोकुल का तो सब छोड़ दिया, ये वृंदावन में केसी घाट से जुगल घाट और बिहार घाट और चीर घाट ये यहाँ चलने की लोकल में ही, और लोकल वालों को कह रहे हैं तुम बंद करो, हम चलाएंगे यहाँ पे। परमिशन वगैरह कुछ दिखा रहे हैं? कुछ नहीं दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि नगर निगम से लोग चलवा रहे हैं, नगर निगम का नाम ले रहे हैं। ये आज किस बात को लेकर विरोध हुआ था? आज विरोध हुआ है, ये अपना स्टेप बना रहे हैं लगाने के लिए मंच, तो हमने कहा उस जगह पे लगा रहे हैं जहाँ से हम सवारी बैठा रहे हैं, अपनी मेन रास्ते पे ये केसी घाट के सामने लगा रहे थे। जब हम कहाँ जाएंगे फिर, जब ये वहाँ लगा रहे हैं तो जहाँ हमारी बोर्ड लगी हुई है हमारी हटा रहे थे। हमारी मांग है कि ये यहाँ नहीं चलना चाहिए, हम गरीब लोग हैं और हमारा जीवन यापन इसी से होता है, हमारे बच्चे इसी से पलते हैं। इस बात को लेकर अधिकारियों से आपने संपर्क साधा? हाँ, हमने श्री नागेंद्र प्रसाद जी से हमने साधा, उन्होंने हमको आश्वासन दिया था कि ऐसा ये यहाँ से सीधे गोकुल जाएगी और गोकुल से वृंदावन आएगी, लंबा टूर करेगी, बीच में कोई यहाँ लोकल नहीं चलेगी, ये उन्होंने हमें आश्वासन दिया था और उन्होंने अखबार में भी निकलवाया था, तब हम शांति से बैठ गए थे। 2 महीने पहले हमने अनशन किया था इसका कि हमारा पर्यटक बढ़ेगा, पर्यटक बढ़ेगा तो हम बैठ गए, पर्यटक बढ़ेगा तो उन्होंने आश्वासन दे दिया हमको। ये विरोध कर रहे हैं कि साहब अगर यहाँ क्रूज चल जाएगा तो इनका धंधा या उस बिल्कुल खत्म हो जाएगा, इनका कोई वैभव नहीं रहेगा। आप जानिए कि यहाँ जो पर्यटक आता है वो वीआईपी देखता है, हमारे पास जो व्यवस्था है उसमें अंडरस्टेट करते हैं। अब इसको देख के ना तो हमारे कोई कस्टमर मोटरबोट को पकड़ेगा, और जिस तरीके पर यहाँ लगा रहे हैं ना, इनके पास कोई परमिशन दिखा रहे हैं ना कोई ऑर्डर दिखा रहे हैं, और हमसे आदेश दिलवाने के बंद करो, हम किस आदेश पर बंद करें, ना तो बंद करना चाहते हैं। और कहने का मतलब यही है, अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि आपका पर्यटक क्रूज आने से बढ़ेगा, और ये तो खाली जुगलगार से मथुरा ले जाएगा, मथुरा से गोकुल ले जाएगा। इस आश्वासन को देके हम लोग शांत बैठ गए कि साहब हमको तो कोई वो नहीं है, लंबे रूट पे चलेगा तो हमारा तो पर्यटक नहीं, हम तो साहब यहाँ से चील घाट और केसी घाट बस इतना ही घुमाते हैं, मत 500 मीटर की दूरी में घुमाते हैं, हमारा तो ज्यादा है नहीं है, हम तो मथुरा लेके नहीं जाएंगे ना गोकुल लेके जाएंगे, हमारे नहीं। पर इसी ये गोकुल और मथुरा के लिए आया है तो ये गोकुल मथुरा चलाए, ताकि यहाँ का ही नहीं देखा ये व्यवस्था केसी घाट। आज इस बात को लेकर आज ये अपना श्री गणेश कर रहे हैं यहाँ पर, ये लगा के चालू कर रहे हैं, अगर ये लगा देंगे तो कल से बनना भी चालू कर देंगे, बनना चालू कर देंगे तो हमारा क्या है, हमारा एक विरोध करेंगे, अनशन करेंगे, आंदोलन करेंगे, अगर आवाज को नहीं, अगर ये बंद नहीं होगा तो बहुत कुछ करेंगे आगे, पर मतलब भूख हड़ताल भी करेंगे, ये हमारी रोजी रोटी का सवाल है, इससे हम जो कमाते हैं, इससे जो कमाते हैं, हमारे बच्चे पढ़ते हैं, हमारी फैमिली खाती है, हम सारी एडजस्ट सारी अर्थव्यवस्था को इसी से संभालते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। अगर इन्होंने यहाँ बना दिया, ये ध्यान दें कि यहाँ पर क्या व्यवस्था है, लैट्रिन के लिए ध्यान दें, कुछ पर्यटक आता है कुछ टॉयलेट के लिए ध्यान दें, कुछ बैठने की व्यवस्था की ध्यान दें, पर्यटक आता है आप देखें, आप लगाओ कैमरा मीडिया के, और अगर कोई पर्यटक आएगा तो वो कहाँ बैठेगा, कहाँ छाया लेगा, इस चीज पर ध्यान दें। बस हमारा यही एक आवाज है हमारी कि ये चलना नहीं चाहिए हमारे केसी घाट वृंदावन पे, हमारे हजारों लोग क्या करेंगे, या इस चीज का जवाब दे दीजिए हमको, हमको जवाब देगा इस चीज के लिए हजार आदमी साहब ये करेंगे, हमारा एक कुंभ मेला क्षेत्र का खेती था ये छोड़ा लिया, चलो कोई बात नहीं है, हमने दे दिया कोई बात नहीं है, उससे छोड़ के हम यहाँ यमुना जी पे, अब ये भी छोड़ा लिया जाएगा हमारा, तो हमको जवाब दे दिया जाए कि हम करेंगे क्या, ठीक है। मोटिवेशन 100% तो क्यों रह जाती है ये मिस 70%? कारण पोषण की कमी, रोज के खाने से मिले सिर्फ 70% तक विटामिन और मिनरल्स, बाकी के लिए नया सुप्रडिन डेली जो दे ज्यादा एनर्जी और इम्यूनिटी, खाने के साथ सुप्रडिन। वेलकम टू द ड्रीम बेस ऑफ योर चाइल्ड।
Kanha Makhan Millennium School, the only place in Vrindavan that offers the best learning opportunities through a well-resourced activity room, modern classrooms, futuristic computer and STEM laboratories, dedicated space to train vocals and learn instruments, state-of-the-art sports facilities, a well-stocked library and cooking lab and recording studio, which provide learning experiences still rare at school level. Because we believe a modern child requires modern facilities to groom. जय गुरुदेव हॉस्पिटल महोली रोड मथुरा, हमारे यहाँ माइनर ओटी इमरजेंसी आईसीयू पीआईसीयू एनआईसीयू सभी प्रकार की सिटी स्कैन एक्सरे अल्ट्रासाउंड अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब प्राइवेट एवं जनरल वार्ड डीलक्स रूम महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा आंखों का ऑपरेशन दांतों का उपचार सभी प्रकार के ऑपरेशन उचित दर पर दवाइयां 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में ओपीडी सुविधा उपलब्ध है संपर्क करें 8650777901